नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल कुमार्स लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज सेंट्रल लेवल ऑब्जर्वर यानी CLO ड्यूटीज़ के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह समझते हैं, ताकि आप सब किसी भी परीक्षा के ऑब्जर्वर की ड्यूटी या फिर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के दौरान ऑब्जर्वर ड्यूटी करने में आप सबको कभी कोई कठिनाई महसूस ना हो। मित्रों, ऑब्जर्वर्स CBSE के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में परीक्षा के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें सतैव विजिलेंट यानी सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए। आजकल ऑनलाइन रिपोर्ट शेयर करने के लिए कुछ ऐप आते हैं, यदि वो दिए गए हैं, असाइंड हैं, तो उनकी स्टडी भी ऑब्जर्वर्स को कर लेनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको यहाँ NCMTM ऐप दिखाया गया है। ऑब्जर्वर्स को ये जिम्मेदारी होती है कि वे इंश्योर करें कि पूरी परीक्षा के दौरान कहीं भी कोई चूक किसी भी स्टाफ से ना होने पाए, और यदि वो कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उनका प्रॉपर सलूशन ऑन स्पॉट ऑब्जर्वर दे सकें, इसलिए उन्हें अपने रूल्स रेगुलेशन अच्छी तरह समझ कर इस ड्यूटी की ओर आगे बढ़ना चाहिए। स्टेप वाइज ऑब्जर्वर्स को अपनी ड्यूटी समझ लेना चाहिए, ताकि उन्हें कभी कोई कठिनाई ना हो। सबसे पहला स्टेप होता है कस्टोडियन बैंक से क्वेश्चन पेपर को सेंटर सुपरिंटेंडेंट के साथ सेंटर पर ले जाना, जहां वो सेफ कस्टडी में फुली कॉन्फिडेंशियल रूप में पहुंचना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऑब्जर्वर्स का होता है कि आवश्यकता अनुसार वह इन्विजिलेटर्स के ब्रीफिंग सेशन को अवश्य अटेंड करें, ताकि इन्विजिलेटर्स की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई चैलेंज है उस पर वो क्लैरिफिकेशन उन्हें दे सके। ऑब्जर्वर्स की दूसरी महत्वपूर्ण ड्यूटी है कि वो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पैकेट अपने सामने ओपन कराएं, और साथ ही साथ उसकी फोटोग्राफी एवं कंसर्न सर्टिफिकेट भी तैयार करवा लें। ऑब्जर्वर्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन जब कॉन्फिडेंशियल मटेरियल पैक हो रहा हो, तो उस समय वो स्वयं उपस्थित रहें और पूरी पैकिंग की प्रोसेस, सीलिंग की प्रोसेस को खुद मॉनिटर करें। ऑब्जर्वर्स का यह भी राइट है, ड्यूटी है कि वो सीटिंग प्लान को वेरीफाई कर लें और क्वेश्चन पैकेट के सीरियल वाइज सेटलमेंट को भी एडवांस में देखें, ताकि क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में, डिस्ट्रीब्यूशन समय इन्विजिलेटर्स को कोई परेशानी ना हो, उनसे कोई गलतियां होने का चांस ना रहे। परीक्षा आरंभ होने के पूरे शेड्यूल और समाप्त होने तक ऑब्जर्वर्स को इस पर बहुत अटेंटिव रहना चाहिए, और एग्ज़ाम शुरू होने के ठीक 15 मिनट बाद अनयूज्ड क्वेश्चन बुकलेट सारी कलेक्ट होकर CS के पास ऑब्जर्वर की निगरानी में पहुंच जानी चाहिए। यदि ये स्टेप टाइमली कंप्लीट हो जाता है, अनयूज्ड पैकेट सील हो जाते हैं, तो परीक्षा संपन्न कराने में कोई कठिनाई नहीं आती। पहला स्टेप ही अच्छी तरह पूर्ण हो जाता है, जहां कोई गलती होने की संभावना नहीं होती। अब रह जाती है बात एग्ज़ाम के कंडक्शन की। वहाँ ऑब्जर्वर्स को चाहिए कि वो राउंड लेते रहें, फ्रीक्वेंट राउंड लेते रहें और परीक्षा के कंडक्शन को प्रॉपरली मॉनिटर करते रहें। ऑब्जर्वर्स को ये भी चाहिए कि अटेंडेंस सीट पर प्रॉपर एंट्रीज हो रही हैं, OMR सीट, अटेंडेंस सीट पर प्रॉपरली शाइन हो रहे हैं सभी कंसर्न ड्यूटी स्टाफ के, और साथ ही साथ बुकलेट पर, OMR सीट पर सेंटर स्टैंप लग रहे हों। टाइमली एग्ज़ाम कंप्लीट होने पर कलेक्शन भी एश्योर करना चाहिए, और जब एग्ज़ाम शुरू हो रहा हो तो क्वेश्चन बुकलेट्स रोल नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हो, जिसमें कैंडिडेट को बुकलेट मीडियम वाइज अवेलेबल होनी चाहिए। ये एंश्योर करना CS और ऑब्जर्वर की महत्वपूर्ण ड्यूटी है। साथियों, आजकल डिजिटलाइजेशन का दौर है, इसलिए सारी अटेंडेंस ऑनलाइन मांगी जाती है, इसलिए रजिस्टर्ड, अपीयर्ड और एब्सेंट का डाटा मिलते ही इसे कंपाइल करके ऑब्जर्वर को तैयार रखवाना चाहिए, जिसे आगे फॉरवर्ड किया जा सके ऑन डिमांड। परीक्षा शुरू हो जाने के बाद एग्ज़ाम जब कंप्लीट होता है अपने टाइम पर, उस समय कलेक्शन के समय फिर से ध्यान देना है कि बुकलेट्स का कलेक्शन केवल रोल नंबर वाइज होना चाहिए। सीरियली ऑल द बुकलेट्स शुड बी कलेक्टेड बैक विदाउट एनी इंटरप्शन। परीक्षा संपन्न होने के बाद ऑब्जर्वर की ड्यूटी भी धीरे धीरे अपनी पूर्णता को आती है, कंप्लीट हो जाती है। परीक्षा संपन्न हो जाने के बाद CLO को अपनी रिपोर्ट
भरनी चाहिए। सीलिंग पैकिंग की पूरी प्रक्रिया को अपने सामने पूरी करवाना चाहिए और सारे पैकेट्स एज पर फ्लो चार्ट आप CBSE पैकिंग करवाने चाहिए, उसी तरह से तैयार करवाने चाहिए जैसा नॉर्म्स में मैनुअल में दिया गया है। जैसे सारे पैकेट बन जाते हैं, ये सारे मटेरियल CBSE को बाय पोस्ट या फिर कलेक्शन सेंटर पर जमा करना CS की ड्यूटी है, जिनके साथ ऑब्जर्वर को भी रहना है। इस तरह से कलेक्शन सेंटर पर कॉन्फिडेंशियल मटेरियल हैंडओवर करते ही ऑब्जर्वर की ड्यूटी पूर्णतः संपन्न हो जाती है। मित्रों, एक एक स्टेप को बड़ी गंभीरता के साथ बड़े रिलैक्स मूड में ध्यान देते रहना चाहिए, तब किसी तरह की कोई भूल नहीं होती और ऑब्जर्वर स्वयं भी अपनी ड्यूटी करते हैं, साथ ही साथ दूसरे स्टाफ को उनसे बहुत हेल्प मिलती है। तो ड्यूटी एक अच्छे माहौल में हो, कंफर्टेबल मैनर में हो, एक्यूरेट हो, एप्रोप्रिएट हो, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो के साथ ही आपको सारी जानकारियाँ CLO ड्यूटी की मिल गई होंगी। एट लास्ट कंप्यूटर कंट्रोल सीट भरना है CS को, साथ ही साथ ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो चेक कर लें प्रॉपरली भरी गई है या नहीं। इसके उपरांत फ्लो चार्ट में चेकलिस्ट दी होती है, उसे देख लेना चाहिए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। यदि सब कुछ कंप्लीट है तो अब आप कलेक्शन सेंटर की ओर बढ़ें। मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ आपको। जब भी आपको कोई भी ऑब्जर्वर की ड्यूटी मिले या हमारे पहले वीडियोस के अनुसार आप सीख चुके होंगे CS की ड्यूटी मिले तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद अस। प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।